नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के मार्गो थाना अंतर्गत शिव मंदिर लाइन गुरुद्वारा रोड के रहने वाले पवन यादव पर अपराध कर्मियों ने शनिवार की रात 11:15 के करीब चलाई गोली, जिसके बाद पड़ोसी रवि कुमार ने पवन को MGM अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने तुरंत TMH रेफर किया। TMH में जाँच के दौरान डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। पवन यादव मूल रूप से बिहार आरा के रहने वाले थे। वो मानगो में दूध का कारोबार चलाते थे। मतलब हम लोग नहीं थे, दो लड़का था वहाँ पे। वो लोग जो भी बताया कि 5 लड़का आया था, वो लोग मार के वहाँ से गोली मार के वहाँ से निकल गए। क्या नाम है इनका? पवन यादव। अच्छा, जो मारा उसका? उसका आइडिया नहीं है, पता नहीं। नहीं, उसका आइडिया नहीं है। इससे पहले भी इनका था कुछ विवाद इधर उधर, लेकिन कौन मारा इसका आइडिया नहीं। कैसे ये घटना घटा? हमको ये जानकारी है कि वो डेली अपने घर से गाय दूध दुहाने के बाद वो नदी किनारे एक जानवर को बांधने के लिए जाता था अक्सर। क्या नाम था उसका? उसका नाम पवन यादव। कहाँ का रहने वाला है? गुरुद्वारा रोड शिव मंदिर लाइन। घटना कहाँ पे घटा? नदी किनारे शिव मंदिर के नीचे भैंसी घाट, जो साईं वाला जो है। साईं वाला बहुत गुरुद्वारा से। अच्छा, हुआ उसके बाद क्या? उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग हड़बड़ा के लेके आए हैं इमरजेंसी से, ठीक है, बाइक से लेके गए MGM, वहाँ से एम्बुलेंस लिए, फिर हम यहाँ पे लेके आए। कहाँ पे गोली लगी उनकी? उनके सर के पीछे लगी। कितनी गोली लगी है? एक गोली अभी हमारे हिसाब से हमने देखा तो एक गोली लगी हुई। क्या लग रहा है, घटना कौन किया होगा या क्या कुछ कारण? इसके बारे में हमको कुछ हमको जानकारी नहीं है सर। मुझे ये जानकारी है कि मेरे पड़ोसी है। उम्र कितना है उसका? 30 साल। उम्र 30 साल। शादी हो चुका है क्या उसका? नहीं, 30 प्लस। शादी हो चुका है? नहीं, शादी नहीं हुई है। रहने वाले आरा जिला के? नहीं, अभी मानगो गुरुद्वारा रोड शिव मंदिर लाइन के रहने वाले जी।